वैसे तो हर चीज का अपना एक अलग स्वाद होता है। जी हाँ, स्वाद और खुशबू आपको महसूस नहीं होते हैं तो ये कोरोना का सिम्टम हो सकता है। कुछ खाने पर स्वाद महसूस ना होना और किसी चीज की गंध का महसूस ना होना भी कोरोना वायरस का लक्षण हो सकता है। यह दावा ब्रिटेन के शोधकर्ताओं ने किया है। लंदन के किंग्स कॉलेज की एक टीम ने कोरोना वायरस के संदिग्ध लक्षण एक ऐप में रिपोर्ट करने वाले करीब 4,00,000 लोगों के डेटा का अध्ययन किया है। आम सर्दी के साथ ही सांस लेने में तकलीफ जैसे कई लक्षणों के अलावा स्वाद और गंध का महसूस ना होना भी कोरोना वायरस का लक्षण हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि बुखार और खांसी अब भी वायरस के वो संभावित महत्वपूर्ण लक्षण हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपके साथ या आसपास रहने वाले किसी भी शख्स को तेज बुखार और खांसी की समस्या है तो उन्हें घर में ही रहना चाहिए ताकि दूसरों को वायरस का संक्रमण ना हो। किंग्स कॉलेज के शोधकर्ता कोरोना वायरस के संभावित लक्षणों के बारे में जानकारी जुटाना चाहते थे ताकि वो विशेषज्ञों के इसे समझने और इससे लड़ने में मदद कर सके। कोविड सिम्टम ट्रैकर ऐप पर इसके लक्षण के बारे में रिपोर्ट करने वालों में से 53% ने थकान की शिकायत की, 29% ने लगातार खांसी आने की बात की, 28% ने सांस लेने में तकलीफ बताई, 18% ने कोई गंध सूंघने या किसी तरह का स्वाद चखने में असमर्थता जताई, 10.5% ने बुखार की शिकायत की। इन 4,00,000 लोगों में 1,702 का कोविड-19 टेस्ट हुआ जिनमें से 579 लोग पॉजिटिव पाए गए और 1,123 नेगेटिव।